ये एंटोनी लेवासियर, ये फ्रांस के, इन्होंने तो पूरी क्रांति हिला दी फ्रांस में। एंटोनी लेवोजियर ये पूरी दुनिया में फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में जाने जाते, एंटोनी लेवोजियर, रासायन क्रांति ही जन्मदाता और फादर ऑफ केमिस्ट्री वर्ल्ड वाइड, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि कोई चीज कैसे जलती है, इन्होंने बताया कि कोई चीज कैसे जलती, कंबशन चलती है तो कैसे रिएक्शन होता है, क्या होता है, जलने में कौन सहायक है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, इन्होंने सबसे पहले बताया। कंबशन कैसे होता है इन्होंने बताया, और इन्होंने हाइड्रोजन का नाम रखा, खोजा नहीं नाम रखा, ऑक्सीजन का नाम इन्होंने ही रखा। और ये पहले व्यक्ति हैं दुनिया के, एंटोनी लेवोजियर, जिन्होंने बताया कि पानी तत्व नहीं है, पदार्थ है, यौगिक है, पानी एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, पानी दो चीजों से मिलकर बना है। ध्यान से सुने, इन्होंने ही बताया कि पानी दो चीजों से मिलकर बना है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इन्होंने ही बताया। और आप सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, पानी बुझाता है, इन्होंने बताया ये जलता है, इन्होंने बताया हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है और पानी बुझाता है, पानी बुझाता है। इन्होंने बताया कि तत्व में जो गुण पाए जाते हैं यौगिक में वो गुण नहीं पाए जाते बल्कि नए गुण पाए जाते। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है और पानी बुझाता है। ये देखिए कंपाउंड है, ये यौगिक है, ये यौगिक है, और इन्होंने बताया कि ये एलिमेंट है, और इन्होंने बताया ये एलिमेंट है। लेकिन कंबशन में इसकी भूमिका है, कंबशन में ऑक्सीजन की भूमिका है, कंबशन में ऑक्सीजन की मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका है।